नमस्कार जय सेवा मैं जितेंद्र शाह गोटुल इंडिया आईटी हेड आज हमारे साथ इंजीनियर के स्टूडेंट हैं इनसे हम सवाल करेंगे कैसे मतलब इंजीनियरिंग में उसको एंट्रेंस या एडमिशन ले सकते हैं क्या प्रक्रिया होती है और क्या क्या उसमें मतलब हमें ईशूज़ फेस करने होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे तो आज चलिए हम बात करते हैं कि आईआईटी की तैयारी कैसे कर सकते हैं सेवा जौहर साथियों मेरा नाम हिमांशु कुमार और मैं बीटेक का छात्र हूँ मैं मैं ट्रिपल आईटी सोनीपत से बीटेक कर रहा हूँ और आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देश के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थानों में कैसे प्रवेश पाएँ और कैसे आईआईटी एनआईटी और ट्रिपल आई में एडमिशन लें तो साथियों सबसे पहली बात यह है कि आपको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा कि आईआईटी एंड टी में सिलेबस क्या होते हैं तो आईआईटी एंड टी के सिलेबस में साथियों सिर्फ एलेवेंथ और ट्वेल्थ बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की जानकारी अगर है तो वो आपके लिए इनफ है फॉर आईआईटी एंड एनआईटी ठीक है मेरा एक सवाल है आपने सिलेबस के बारे में बता दिया अब मैं जानना चाहूँगा कि इसमें क्या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो क्या प्रक्रिया रहती है उसकी वो बताने की कृपा करें आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन के लिए दो एग्ज़ाम्स होते हैं एक जे मेंस और जे एडवांस जे मेंस अगर कोई लड़का क्लियर करता है तो उसे एनआईटी और ट्रिपल आई मिलते हैं और अगर जेई एडवांस लेवल भी क्लियर कर देता है तो उसे आईआईटी मिलता है और इसकी प्रक्रिया ये है कि जेई मेंस तीन सौ नंबर का होता है और तीन पेपरों का होता है फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और मैथ और जेई एडवांस दो पेपर तीन तीन घंटे के होते हैं उनमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही पूछा जाता है और जेई मेंस तीन सौ नंबर का होता है और जेई एडवांस हर साल फ्लक्चुएट करते रहता है कभी तीन सौ अस्सी कभी तीन सौ छः कभी तीन सौ चौरानवे इस तरह से होता है कोई फिक्स रेशियो नहीं रहता है इसका अच्छा थैंक यू लेकिन जैसे ये एग्ज़ाम होता है क्या एग्ज़ाम रिटर्न में होता है या ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए जी ये दोनों एग्ज़ाम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं आपको सी मोड में एग्ज़ाम होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं थोड़ा लेवल हाई रहता है लेकिन पढ़ाई के लिए बता दें कि एन सबसे बेस्ट बुक्स हैं एन अगर आप कंसेपचुअल पढ़ लेते हैं उसके कन्सेप्ट समझ लेते हैं तो वो काफ़ी फायदा फ़ायदेमंद रहता है आपके लिए ठीक है और कुछ अगर एडिशनल बुक्स बताएं तो मैग्रो हिल की मैथ्स की बुक जो टाटा प्रोवाइड करता है और एच सी वर्मा की फिजिक्स की बुक और केमिस्ट्री एन बेस्ट है एन के अलावा और कुछ नहीं आपने एंट्रेंस और ये सिलेबस के बारे में बता दिया मैं अब ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो कटअप जाती है उसके बाद हमारा एडमिशन कंफर्म अगर हो जाता है तो हम उसमें जो है तैयारी किस प्रकार से करें आगे तीन साल के या जो भी पाँच साल का होगा उसके बारे में थोड़ा बताइए एडमिशन हो जाने के बाद किसी बच्चे को अगर बढ़िया प्लेसमेंट चाहिए अच्छी कंपनियों में जॉब चाहिए जो हम सुनते हैं आजकल की 40 लाख 50 लाख का पैकेज लग गया तो इसमें सबसे हेल्पफुल होता है कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी और प्रैक्टिस तो चाहिए ही स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस चाहिए अगर आपका कंटिन्यूटी मेंटेन्ड है अगर आप कॉलेज के जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं असाइनमेंट होते हैं वो सब आप समय पर करते हैं और अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं एल्गोरिदम्स सीखते हैं तो आपका प्लेसमेंट अच्छे कंपनियों में हो जाता है अन्यथा फिर नहीं होता फिर इंजीनियर्स को बदनाम किया जाता है कि दस हज़ार बीस हज़ार की नौकरी कर रहा है जैसे आपने कहा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात किया आपने तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि वो कौन कौन से होते हैं और अभी के समय में जो है टेक्निकल फील्ड के बात करें हम उसमें कौन सा बेस्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बहुत सारे हैं जैसे आपका सबसे बेसिक हो गया सी उसके बाद आता है सी प्लस प्लस उसके बाद आता है सी शार्प उसके बाद जावा पाइथन तो जावा पाइथन और सी प्लस प्लस ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं इनको मतलब कंपनियां ज़्यादा प्रेफर करती हैं लेकिन बेसिक तो सी ही है अगर आपने सी अच्छे से कर लिया तो सारी लैंग्वेज आसान है लेकिन अभी जो प्रचलन में है वो सबसे ज़्यादा जावा और पाइथन है जो कंपनियाँ काम कराती हैं जावा और पाइथन पर ही कराती हैं ठीक है आपने लैंग्वेज बारे में भी बताया हमें अब मैं ये जानना चाहूँगा कि जब हम आईआईटी या इंजीनियरिंग या बीटेक जो भी हैं वो कंप्लीट कर लें उसके बाद हमें जो है प्लेसमेंट जो, जो है मिलने का कहाँ कहाँ पर अपॉर्चुनिटी होगा या चांस रहेगा जहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं प्लेसमेंट के लिए बता दें कि अगर आपका कॉलेज कोई आईआईटी है एनआईटी है या ट्रिपल आईटी है तो अपने आप में ही वो बहुत बड़ा नाम है ठीक है वहाँ पे कंपनियाँ खुद आती हैं खुद चल के आती हैं और खुद ही इंटर्नशिप प्रोवाइड करती हैं अच्छे अच्छे पैकेजेस पे बच्चों को उठाती हैं और वो बच्चे ले भी जाते हैं ठीक है तो यही जो जो मैंने बताया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखिए एल्गोरिदम्स सीखिए प्रोजेक्ट्स कीजिए असाइनमेंट कीजिए अपना रेज्यूम बिल्ड कीजिए ये सब बहुत हेल्पफुल होती हैं आपको प्लेसमेंट के लिए थैंक यू एक लास्ट सवाल है मेरा कि इंजीनियरिंग फ़ील्ड के लिए कौन कौन से जो हैं मतलब कि कोर्सेस हैं और फील्ड हैं जिसमें हम एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर ट्वेल्थ और आफ्टर ट्वेल्थ है कौन से कोर्स से मतलब स्ट्रीम के बच्चे जो हैं एडमिशन ले सकते हैं इस फील्ड में इस फील्ड में मतलब सभी बच्चे एलिजिबल होते हैं जो भी मैथ्स से हैं जो भी मैथ्स बैकग्राउंड के हैं सभी एलिजिबल हैं और इसमें इंजीनियरिंग फील्ड में जाने के लिए या फिर इन कंपनियों में जाने के लिए कोई ऐसा बेसिक कोई ऐसा मतलब क्राइटेरिया डिसाइडेड नहीं है जो आपको अगर आप बी बैकग्राउंड से भी हैं और आपके पास स्किल है तो आप इन बड़े बड़े पैकेजेस को फोड़ सकते हैं और कोर्सेज को बता दें तो बी है बी आप कर सकते हैं बी तो कर ही सकते हैं इंजीनियरिंग के लिए फिर डिप्लोमा भी कर सकते हैं आज आजकल आईटी आई आई भी जुड़ गई है आईटी और सी डिप्लोमा करा रही है अब तो ये सभी कोर्सेज़ हैं जिससे कर सकते हैं आप अच्छा ठीक है थैंक यू एक लास्ट सवाल है मेरा पर्सनल सवाल है आपसे कि मुझे क्या करना चाहिए मैंने अभी तक बी सी एम कर लिया है तो मैं आपसे एक सजेशन चाहूँगा कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए आप तो हमसे सीनियर ही हुए अगर आप बी सी ए और एम सी ए कर चुके हैं तो लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है स्किल है तो आप ऑफ कैंपस भी प्लेसमेंट ले सकते हैं बहुत सारी कंपनियां हैं ट्राई कर सकते हैं गूगल हो गया अमेजन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया उसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग स्किल सीख के डी सीख सकते हैं आप लैंग्वेज सीख सकते हैं एंट्रप्रनोर बन सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं थैंक यू ये बताया आपने एक सवाल और आया मेरे मन में कि बहुत से बच्चे जो हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं वो ओपन से करते हैं जैसे इग्नू बी सी एम से प्रोवाइड कराता है जो जिनके पास मतलब जो मिडिल फैमिली या रिच फैमिली से आते हैं वो रेगुलर करते हैं और उनको स्किल ओपन वाले कंपनी में अच्छा मिलता है तो क्या ओपन वाले को कॉलेज पूरा करने के बाद उसे ऐसा क्या करना चाहिए जो कंपटीशन में वो रेगुलर वाले को जो है मात दे सके अब जैसा कि ओपन वालों में बड़ी बड़ी कंपनियां नहीं आती हैं प्लेसमेंट देने के लिए तो उन बच्चों को ख़ुद से ही मेहनत करना होता है और ख़ुद से ही प्लेसमेंट लेना रहता है तो वो लोग या तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड बच्चे हों कि जो बहुत सारे स्किल्स सीख लें और फिर जाके कंपनियों को बताएं कि मेरे पास ये ये स्किल्स हैं तो वो लोग खुद ही आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके इंटर्नशिप आपके रेज्यूमे के बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं और नहीं तो फिर फिर सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं जो करते हैं बहुत सारे इंजीनियरिंग बच्चे अच्छा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें बहुत सारी जानकारी दी और मैं सभी का धन्यवाद करूंगा कि इस वीडियो को देखे करियर काउंसिलिंग के तौर पे और गोटुल इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और साथ ही हमारे से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद